अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना भी तारीफ दौड़। आज का खाना में हम बना रहे हैं लहसुनी मेथी पालक। बहुत जबरदस्त बेनिफिशियल फायदेमंद रेसिपी जो आपको गर्मियों में बहुत अच्छी लगेगी। आए चल के बनाते हैं। आपसे कहते हैं चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। मेरे साथ एक फायदेमंद रेसिपी और जरूर ट्राई करें। आए चल के बनाते हैं मेथी पालक लहसुनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के हमारी लहसुनी मेथी पालक या पालक मेथी जिसके लिए प्रोसीजर शुरू करें। यहाँ पे अभी हम 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। पहले हमारी बेहतरीन सी लहसुनी पालक और मेथी को फ्राई करेंगे। इसके आगे का प्रोसीजर बहुत दिलचस्प है। यहाँ पे 5 से 6 जवे लहसुन के मैंने यहाँ जूलियन काट लिए थे, बहुत खूबसूरत लगते हैं अगर जूलियन काट लेते हैं तो। यहाँ पे इनको हल्का सा सौते करेंगे ताकि हम शामिल कर सकें अपनी मेथी और पालक। यहाँ हमारा लहसुन हल्का सुनहरा हो गया। यहाँ पे मैंने जो है 2 गड्डी पालक, आप देख लीजिए हमारे यहाँ गड्डी के हिसाब से मिलती है, आपके यहाँ अगर मिलती है तो तकरीबन 1/2 किलो पालक और 2 गड्डी यहाँ मेथी के हद पर इम्कान जितनी मोटी डंडियाँ निकाल सकते हैं निकाल लें। पत्तों को रहने दें या बहुत बारीक बारीक, क्योंकि जितनी मोटी डंडी होगी हमारी मेथी करवाट पकड़ेगी। यहाँ पे इसको फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, अब मेथी पालक को इतना नहीं भूनना कि जो इसकी असल गजाइत है वो तबाह बर्बाद हो जाए। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है हरी सब्जियों को, हरे पत्ते वाली सब्जियों को भूना जाता है, भून भून के कलर तक चेंज कर दिया जाता है। मैं ये इसी स्टेज पे निकाल लूँगा जहाँ आपको मेरी मेथी पालक बहुत ग्रीन ग्रीन लग रही है, क्योंकि अभी इसने ग्रेवी में जाके पकना है। यहाँ इसको निकालेंगे। अच्छा, इस पैन में अब फिर अगेन हम ऑयल लेंगे और का एक मसाला बनाएंगे। आधी प्याली मेरा ख्याल है ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे शुरू में हम शामिल कर देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा हल्के मसालों के साथ बनानी है। यहाँ मेरे पास चली गई 1 बड़ी प्याज को पीस के रख लिया था। यहाँ मीडियम साइज के 2 टमाटरों को पीस लिया था। शामिल कर देंगे इसके अंदर गोल लाल मिर्च 5 से 6 अदरक। यहाँ पे चली जाएगी हल्दी 1 टीस्पून। यहाँ पे चली जाएगी कसूरी मेथी 1 टीस्पून। यहाँ पे कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, किसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा चला जाएगा हमारा 1 टीस्पून। यहाँ पे सॉल्ट अभी 1 टीस्पून ले रहे हैं। पालक थोड़ी सी नस्बतन नरम होती है। यहाँ पे पिसा धनिया 1 टीस्पून और पिसा गर्म मसाला 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें चली गई और इसका अब मसाला बनाएंगे बेहतरीन सा। यहाँ तक भूनेंगे ताकि हमारे टमाटर का पानी और प्याज का पानी भी खुश्क हो जाए, प्याज अच्छी तरह फ्राई हो जाए। तो भूनते रहेंगे और मेरा ख्याल है कि 10 मिनट की भुनाई इसको लगेगी ताकि ये जो है बेहतरीन सा एक मसाला बन जाए। अच्छा, ऑयल अच्छी तरह से बाहर आ गया, यानी कि तरी बाहर आ गई। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे टमाटर और प्याज का जो पानी है वो भी खुश्क हो गया और ये दोनों चीज़ें भी अच्छी फ्राई हो गई हैं। यहाँ पर इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे 4 से 5 टेबल स्पून भर के दही। ये देखें कितना खूबसूरत काम, इतनी गजाइत से भरपूर और साथ में जो है वो हरी सब्जियों का मज़ा, पालक का मज़ा, मेथी का मज़ा और ज़बरदस्त एक डिनर या लंच जहाँ पे एक सेहत बख्श खाना। यहाँ देखें ये दही के पानी को भी थोड़ा सा मैं चला रहा हूँ, दही फट जाता है तो इस स्टेज पे हम दही को चलाते हैं। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ टिप आपको देता हूँ। अमूमन मुझसे कहा जाता है कि हमारा दही फट गया। यहाँ इसको चला चला के हम दही को फटने से बचाएंगे। यहाँ ये हमारा फिर से तरी आपको नज़र आना शुरू हो गई है कि तरी हमारी बाहर आ गई। यहाँ पे हमारा फ्राई किया हुआ मेथी लहसुन और पालक आ गया। और ये देखें क्विक रेसिपी तो थी मगर कोई फ़ायदेमंद रज़ायत से भरपूर रेसिपी है। यहाँ इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। ये देखिए मैंने इसको फिर पका लिया और इसको कोई ढक्कन नहीं लगेगा। हरी सब्जियों को मैं अमूमन ढक्कन नहीं लगाता। अगर आपको मज़ीद फ्राई करना है जो रिवायती आप पालक और मेथी को फ्राई करते हो तो मेरी रिक्वेस्ट पे ना करें, फिर भी दिल करता है कर लें अगर थोड़े से आप ज़िद्दी हैं तो। यहाँ पर थोड़ा और हरियाला करने के लिए मैंने धनिया भी शामिल कर दिया और बस हमारा बेहतरीन जो है लहसुनी मेथी पालक रेडी हो गया है। खुशबू इंतहा की और दिल ये करता है कि बस रोटी हो और साथ में इसको लग के खाना शुरू कर दें। आ जाएं
आपको उसको प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारे नए व्यूवर्स जो हैं वो कमेंट करते हैं, मुझे पता चलता है। ये भी साथ में मुझे बताएं कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट ये आई थी कि दाल सब्ज़ी की तमाम दालें और सब्ज़ियाँ फिर से बनाना शुरू करें, तो क्या हम दाल सब्ज़ी की रेसिपी शुरू कर दें, तो वो मुझे कमेंट का इंतजार रहेगा। भून लिया बेहतरीन तरीके से, आ जाएं इसको प्रेजेंट करते हैं।